अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स बीएस इंग्लिश की एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। स्टूडेंट्स आज की हमारी वीडियो का ताल्लुक एक बार फिर से एस्पेक्ट्स ऑफ द नावल से है। इस ईएम फॉस्टर की बुक एस्पेक्ट्स ऑफ द नावल के बारे में मैं इंट्रोडक्टरी वीडियो बना चुका हूँ और उसमें हमने डिस्कस किया था कि नावल क्या है और उसके कितने एस्पेक्ट्स हैं। ये हम इसकी इस सिलसिले की एक वीडियो में दे चुका हूँ और अब इस सिलसिले की दूसरी वीडियो दूसरा एस्पेक्ट आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको इन वीडियो से एस्पेक्ट्स ऑफ द नावल को समझने में इंशाल्लाह बहुत आसानी होगी। वीडियो में आगे चलने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये चैनल आपको बीएस इंग्लिश की और इस हवाले से बहुत सारी दूसरी इंग्लिश के हवाले से वीडियोस पहुंचाता रहता है और कोशिश यही है कि इंग्लिश ज़ुबान आपके लिए आसान की जाए। तो जनाब दूसरा जो पहलू है स्टूडेंट्स नावल का वो है पीपल या करेक्टर, लोग या किरदार। सेकंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ नावल राइटिंग इज़ पीपल और करेक्टर्स नावल राइटिंग में। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट पहलू है वो लोग हैं या फिर किरदार हैं, मतलब लोग होते हैं किरदार होते हैं जिनके ज़रिए से नावलिस्ट जो है वो अपनी कहानी को आगे बढ़ाता है। अ नावलिस्ट एलेबरेट्स एक्सप्लोर्स एंड एलेबरेट्स लाइफ एक्सपीरियंसेस थ्रू हिज करेक्टर्स। एक नावलिस्ट एक्सप्लोर करता है मतलब कि गहराई तक जानता है और बयान करता है ज़िंदगी के तजर्बात को अपने करेक्टर्स के ज़रिए से, मतलब कि आप जानते हैं कि करेक्टर्स या किरदार जो हैं या लोग जो हैं वो ज़िंदगी की मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ करते आपको नज़र आते हैं और ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ तजुर्बात में मसरूफ़ नज़र आते हैं। तो हम भी इन करेक्टर्स के ज़रिए से ही ज़िंदगी को समझते हैं। नावलिस्ट ज़िंदगी की अपनी फ़िलासफ़ी को समझाने के लिए इन्हीं करेक्टर्स का इन्हीं किरदारों का इस्तेमाल करता है। फॉस्टर देन कंपेयर्स फिक्शनल करेक्टर्स होमो फिक्टस विद रियल करेक्टर्स होमो सेपियंस। अच्छा उसके बाद फॉस्टर एक बड़ा मज़ेदार काम करता है, वो फर्जी किरदारों को यानी जो किरदार नावल में अपीयर होते हैं किसी भी फिक्शनल काम में फर्जी काम में आते हैं और जो रियल पीपल हैं उनके दरमियान में एक मुवाजना करता है। फर्जी किरदारों के लिए हमने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है जी होमो फिक्टस और असली किरदारों यानी इंसानों के लिए हमने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है होमो सेपियंस, जो इंसानों का साइंटिफिक नेम भी है। तो दरमियान में जनाब लाइन है, डब्बे बने हुए हैं। एक तरफ आप देख सकते हैं कि सुपीरियॉरिटी ऑफ रियल करेक्टर्स ओवर फिक्शनल करेक्टर्स है, यानी एक तरफ बताया गया है कि रियल करेक्टर्स फर्जी किरदारों से बहुत ऊपर हैं बेहतर हैं और दूसरी तरफ आपको बताया गया है कि फर्जी किरदार रियल करेक्टर्स के मुकाबले में बहुत बेहतर हैं। तो अब देखना है कि ये कैसे कंपैरिजन किया हुआ है। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स ये देखना है कि रियल करेक्टर्स फर्जी किरदारों से कैसे बेहतर हैं। तो पहले हम इस डब्बे की तरफ रहेंगे जी, उसके बाद हम इस तरफ आएंगे। तो पहले देखते हैं कि असली किरदार जो रियल इंसान है वो फर्जी इंसानों से फर्जी किरदारों से किस कदर बेहतर हैं। पहला पॉइंट है जी फिक्शनल करेक्टर्स आर नॉट रियल करेक्टर्स बट आर लाइक रियल पीपल। पहली बात तो सिंपल सी है कि जो फर्जी किरदार होते हैं वो असली इंसान तो नहीं होते, लेकिन ठीक है वो असली इंसानों जैसे हैं, वो असली इंसानों से मुतासर होकर ही लिखे गए हैं या असली इंसानों की तरह ही लिखे गए हैं, लेकिन ज़ाहिर है वो असली तो नहीं है, असल तो असल। नंबर दो पॉइंट है दे डोंट सीम टू टेक बर्थ ईट स्लीप और डाई लाइक नॉर्मल ह्यूमन बींग्स। अच्छा ऐसा लगता नहीं है कि ये लोग नॉर्मल ह्यूमन बींग्स की तरह से पैदा होते हैं, खाते पीते हैं, सोते हैं, मर जाते हैं। मतलब ये है कि नावलिस्ट कुछ ना कुछ ख़ास करके इन करेक्टर्स के ज़रिए से कहानी को बिल्ड करता है, लेकिन लगता नहीं है कि ये लोग नॉर्मल हैं क्योंकि ये ज़िंदगी की नॉर्मल एक्टिविटीज़ करते नज़र नहीं आते। दिस इज़ बिकॉज लव इज़ ओवर रिप्रेजेंटेड इन नॉवल्स। इसकी एक वजह ये भी है कि लव को, पैशंस को, इमोशंस को नॉवल्स के अंदर बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है और लव को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है।
इसकी ये वजह है। मेन फैक्ट्स ऑफ लाइफ लाइक बर्थ, फूड, स्लीप एंड डेथ आर नॉट गिवन मच स्पेस इन फिक्शनल वर्ल्ड। फर्जी दुनिया की अगर बात करें तो यहाँ पर जो ज़िंदगी की आम एक्टिविटीज़ हैं, लेकिन जो ज़िंदगी की एक ज़िंदा इंसान की जो मेन एक्टिविटीज़ हैं, मेन उसकी ज़िंदगी के हकायक हैं, उनको कुछ ज़्यादा जगह नहीं दी जाती। उनमें बर्थ आ जाती है, मतलब एक इंसान की पैदाइश है, उसका खाना पीना, सोना, डेथ, इनको फिक्शनल फर्जी दुनिया में जो है वो कोई ख़ास जगह नहीं दी जाती। मतलब कि प्रॉपर एक नहीं बताया जाता कि एक इंसान पैदा हुआ, क्या वो खाता पीता है, क्या वो है, क्योंकि नॉवल एक मखसूस थीम को, एक मखसूस प्लॉट को जहन में रख के लिखा जाता है। तो लिहाजा जो फिक्शनल करेक्टर्स हैं वो रियल करेक्टर्स नहीं हैं। रियल करेक्टर्स की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एक नॉवल लिखते हुए रिप्रेजेंट ही नहीं की जाती, उनको छुपा लिया जाता है। लव को बहुत ज़्यादा स्पेस दी जाती है, तो लिहाजा रियल करेक्टर्स आर सुपीरियर टू फिक्शनल करेक्टर्स। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं कि जी फर्जी किरदार असल किरदारों से, असल इंसानों से किस तरह बेहतर हैं। तो वो कहता है अनलाइक रियल करेक्टर्स इट इज़ पॉसिबल टू नो एवरीथिंग अबाउट फिक्शनल करेक्टर्स। हाँ, ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि आप फर्जी किरदारों के बारे में तो हर चीज़ जान सकते हैं, क्योंकि नॉवलिस्ट ने हर चीज़ उनके बारे में बताई होती है ताकि लोगों के जहनों में उनकी प्रॉपर तस्वीर बने, लेकिन असली इंसानों के बारे में हर चीज़ जानना बहुत मुश्किल काम है। इंसानों ने हमारे सामने अपना वही चेहरा रखा होता है जो वो रखना चाहते हैं, तो लिहाजा असली इंसानों को प्रॉपर जानना मुश्किल है, फर्जी किरदारों को प्रॉपर जानना आसान है। वी कैन नो एवरीथिंग अबाउट अ फिक्शनल करेक्टर फ्रॉम हिज आउटर एंड इनर आउटलुक्स गिवन बाय द नॉवलिस्ट। जी, यही बात मैं आपको बता चुका हूँ कि फर्जी किरदार को हर तरह से जानना बहुत आसान काम है, लेकिन असली किरदार को हर तरह से जानना मुश्किल काम है, ये आसान काम नहीं है। उसकी वजह यह है कि नॉवलिस्ट ने चूंकि हमारे जहनों में अपने किरदार की प्रॉपर तस्वीर बनानी होती है, तो वो उनके बारे में पूरी डिटेल देता है। अच्छा, इवन वी कैन गेट एक्सेस टू एवरी इन टू वेरी इंटीरियर ऑफ ए करेक्टर सोल, यहाँ तक कि हम उसकी रूह के अंदर तक पहुँच सकते हैं कि वो क्या सोच रहा है, क्या महसूस कर रहा है, क्या प्लान कर रहा है, वो हम हर चीज़ को वहाँ से देख सकते हैं। ज़ाहिर है ये सारी डिटेल्स हमें नॉवलिस्ट ही देता है, जबकि असल इंसानों के बारे में बताने वाला कोई नहीं होता, तो उनके अंदर क्या चल रहा है वो हम गेस नहीं कर सकते, मतलब गेस कर सकते हैं प्रॉपर जान नहीं सकते, लेकिन फिक्शनल करेक्टर्स के बारे में हम प्रॉपर जान सकते हैं, इवन वेन इट इज़ नेवर इंटेंडेड बाय द ऑथर और नॉवलिस्ट। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि बाज़ औक़ात ऐसे भी है कि नॉवलिस्ट हमें इतना कुछ करेक्टर के बारे में बता चुका होता है कि अब हमें उसके बारे में आइडिया हो जाता है कि ये किरदार कैसा है, हम उसके प्लान्स, उसकी सोचों, उसके किरदार, उसकी शख्सियत के बारे में गेस भी लगा सकते हैं। तो ये जनाब एक थोड़ा सा मुआजना था। फिर एक और मुआजना आपके सामने आ रहा है, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कहता है नेक्स्ट फॉस्टर कंपेयर्स फ्लैट करेक्टर्स विद राउंड करेक्टर्स। अच्छा, फिर एक दूसरी कैटेगरी है करेक्टर्स की, फ्लैट करेक्टर्स को सिंपल करेक्टर्स भी कहते हैं, राउंड करेक्टर्स को कॉम्प्लेक्स करेक्टर्स भी कहते हैं। अब इन दोनों के दरमियान में भी मुआजना है, इसको भी ज़रा देख लेते हैं। कहते हैं जी फ्लैट करेक्टर्स कैन बी एक्सप्लेन इन अ सिंगल सेंटेंस। फ्लैट करेक्टर्स को आप एक जुमले में बयान कर सकते हैं। मिसाल, देर इज मिसेस मैकबर हु सेज आई विल नेवर डिजर्ट मिस्टर मैकबर एंड दैट्स इट। कहते हैं एक मिसेस मैकबर कोई है और वो कहती है कि मैं अपने हस्बैंड मिस्टर मैकबर को कभी नहीं छोड़ूंगी, और बस बात ख़त्म हो गई। मतलब ये कि सारी ज़िंदगी अब वो यही इसी बात पर कायम रहेगी। और आप इस औरत को एक ही जुमले में बयान कर सकते हैं कि ये औरत बड़ी वफादार है और ये अपना फैसला, ये अपनी थिंकिंग कभी चेंज नहीं करती। फ्लैट करेक्टर्स अपने आप को कभी चेंज नहीं करते, वो थ्रू आउट ऐसे ही रहते हैं। अच्छा, इसके मुकाबले में स्टूडेंट्स अगर राउंड करेक्टर्स की बात करें, जो बिल्कुल सामने लिखा है, तो राउंड करेक्टर्स हैव मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी दैट अनफोल्ड्स विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट इनकाउंटर्स ऑफ लाइफ। राउंड करेक्टर्स की शख्सियत बड़ी पेचीदा होती है और जैसे जैसे ज़िंदगी के वाक़यात गुजरते हैं हमें उनकी शख्सियत के मुख्तलिफ पहलू नज़र आते हैं, तो उनके बारे में गेस करना बहुत मुश्किल होगा, उनको एक लाइन में सिंपली बयान करना मुश्किल होगा। फ्लैट करेक्टर्स कैन बी ईजिली रिकोगनाइज वैन इंट्रोड्यूस फर्स्ट एंड ईजिली रिमेंबर्ड आफ्टरवर्ड्स। फ्लैट करेक्टर्स जब भी कहानी में आते हैं हम उनको आसानी से पहचान लेते हैं और आसानी से बाद में भी याद रखते हैं।
जबकि अ राउंड करेक्टर कैन सरप्राइज अस इन एनी वे ही लाइक्स, जबकि एक राउंड करेक्टर जो होता है वो जिस तरह चाहे हमें सरप्राइज कर सकता है। उसके बारे में मैंने पहले कहा गैस लगाना मुश्किल काम है। दे सेल्डम और नेवर अंडर गो एडिक्वेट मेंटल चेंजेस, सो दे आर द बेस्ट वेन कॉमिक एंड बोरिंग वेन ट्रेजिक। फ्लैट करेक्टर्स कभी भी तब्दील नहीं होते, उनकी सोच कभी भी तब्दील नहीं होती। ऐसा बहुत मुश्किल है कि किसी फ्लैट करेक्टर की सोच तब्दील हो जाए। तो लिहाजा ये बेस्ट होंगे जब कॉमिक होंगे, मतलब अगर ये कोई मजाहिया किरदार है तो हमें तो अच्छा लगेगा ना कि वो कभी तब्दील ना हो और हर वक्त हमें हंसाता रहे। लेकिन अगर कोई फ्लैट करेक्टर ट्रेजिक हो जाए तो वो हर वक्त रोता ही रहेगा, हर वक्त वो देवदास फिल्म का शाहरुख खान ही बना रहेगा। तो ज़ाहरी बात है हमें ये चीज़ देख देख के बड़ी बोरिंग करेगी, बड़ी बोरियत महसूस होती है कि एक किरदार हर वक्त रोता ही रहे, पीटता ही रहे। तो अगर तो एक फ्लैट करेक्टर कॉमिक है तो हम इंजॉय करेंगे, लेकिन अगर ट्रेजिक है तो हम बहुत बोर होंगे। फॉस्टर कोट्स, जेन ऑस्टन्स करेक्टर्स हु आर ऑलवेज रेडी टू एक्ट लाइक सम राउंड करेक्टर तो इट वॉज नेवर इंटेंडेड बाई ऑस्टन। अच्छा, यहाँ पर ईएम फॉस्टर जो है वो जेन ऑस्टन के बारे में कोटेशन है, जेन ऑस्टन को कोट करता है, उसका हवाला देता है। प्राइड एंड प्रेजुडिस की मशहूर तरीन राइटर है जेन ऑस्टन, उसका वर्ल्ड फेमस है, जो दुनिया के बेस्ट 10 नॉवल्स के अंदर शुमार होता है प्राइड एंड प्रेजुडिस। तो वहाँ से एक हवाला है कि जेन ऑस्टन के करेक्टर्स जो हैं वो हमेशा कुछ ना कुछ नया करने को रेडी रहते हैं। मतलब कि हमेशा ऐसे लगता है कि ये राउंड करेक्टर्स हैं, हमेशा उनकी सोच तब्दील होती नज़र आती रहती है, उनकी शख्सियत की डेवलपमेंट होती रहती है जैसे जैसे वो लाइफ के मुख्तलिफ वाक़ियात से गुजरते हैं। हालांकि जेन ऑस्टन से उम्मीद नहीं है कि जितना उसका बहुत ही कम एक्सपोजर था, बहुत ही कम उसका तजर्बा था, घर में ही ज़्यादा बैठी रहती थी, औरत थी ज़ाहिर है, और वो भी विक्टोरियन दौर की औरत थी, तो वो ज़्यादा उसका कोई एक्सपोजर नहीं था, ज़्यादा उसका कोई मेल जोल नहीं था। तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उसके करेक्टर्स राउंड होंगे, कोई कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटीज़ होंगी, कोई डेवलप पर्सनैलिटीज़ होंगी। लेकिन लगता है उसके किरदारों की हरकतों से कि ये लोग राउंड करेक्टर्स के तौर पर एक्ट करते हैं। फॉस्टर प्रेजिस चार्ल्स डिकन्स 1812-1817 दिस रिगार्ड, इस सिलसिले में फॉस्टर चार्ल्स डिकन्स की बहुत तारीफ़ करता है। Almost all Dickens characters are flat, yet they seem to take life of their own, which is neither shallow nor mechanical. कहते हैं कि तकरीबन इस बंदे के, इस नॉवलिस्ट के, बड़ा मशहूर विक्टोरियन नॉवलिस्ट है चार्ल्स डिकन्स, इसके तकरीबन सभी किरदार फ्लैट हैं, लेकिन वो उन्हें इस तरह की डिस्क्रिप्शन देता है, उनका इस तरह का वो उनकी किरदार साजी करता है कि हमें लगता ही नहीं है कि ये फ्लैट करेक्टर्स हैं, लगता है कि ये सारा कुछ अपने आप ही कर रहे हैं और इनकी मेंटल डिवेलपमेंट भी हो रही है। हालांकि फ्लैट करेक्टर्स की मेंटल डेवलपमेंट नहीं होती, लेकिन वो प्रेजेंट ऐसे करता है कि लगता है कि ये राउंड करेक्टर्स हैं, यानी बिल्कुल जेन ऑस्टन वाला ही हाल है। द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ राउंड करेक्टर्स कम फ्रॉम द पेन ऑफ रशियन राइटर्स। राउंड करेक्टर्स की बेस्ट एग्जांपल्स आती हैं रशियन राइटर्स के नॉवलिस्ट से, और यहाँ पर दो इंतहाई वर्ल्ड फेमस रशियन राइटर्स का नाम है, लियो टॉल्स्टॉय जिसने लिखा था वॉर एंड पीस, एंड फ्योदर दोस्तोयेवस्की। तो ये दो रशियन नॉवलिस्ट हैं स्टूडेंट्स, जिनके जिनके नॉवल्स में आपको कॉम्प्लेक्स करेक्टर्स नज़र आते हैं। जी जनाब, ये हमारा करेक्टर्स वाला पार्ट जो है जी वो एंड हुआ। ये सेकंड एस्पेक्ट आज आपके सामने मैंने डिस्कस किया था, लास्ट टाइम मैं इसका स्टोरी का एस्पेक्ट डिस्कस कर चुका हूँ, वो वीडियो भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट एस्पेक्ट के साथ जल्दी आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।